यहाँ पर जितना नंबर लिखा हुआ इस रो में, इस कॉलम में, सबका सब देखो 100 का मल्टीपल है ये नहीं? तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये भी है डिविजिबल, ये भी है डिविजिबल, ये भी डिविजिबल। डिसाइड कौन करेगा? यदि 12 होगा तो 112 डिविजिबल होगा, यदि 83 और 983 होगा, यदि 83 नहीं होगा 983 नहीं होगा, यदि 96 होगा तो 1796 होगा, यदि 96 नहीं होगा 1796 नहीं होगा। यदि पावर है 1 तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे, यहाँ पावर है 2 तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे, यहाँ पावर है 3 तो क्या चेक कर रहे थे, हाँ है ना। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, 16 में क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे बोलो तो, आपको पता चलेगा सर 16 32 64 जो लेना है ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना, बोलो बोलो दोस्त। इसमें क्या लिखेंगे सर, तो ये बनेगा 2 to the power 4, ये बनेगा 2 to the power 5, ये बनेगा, ठीक है बोलो। इसमें क्या चेक करें 16 के केस में, बोलो जल्दी से, लास्ट 4 डिजिट। इसमें 32 में और 64 में लास्ट, समझ में आया नहीं, 25 में चेक कर रहे हैं, 100 इज डिविजिबल 25, तो इसमें देखो लास्ट 2 डिजिट पे क्या होना चाहिए, 00 तो भी चलेगा, लास्ट 2 डिजिट पे 25 हो तो भी चलेगा, लास्ट 2 डिजिट पे 50 हो तो भी चलेगा, लास्ट 2 डिजिट पे 75 हो तो भी चलेगा। इसके बाद हम किए कुछ नहीं, 25-25 ऐड कर दिए, एक बार फिर से 25 ऐड करें 100 बन जाएगा, मतलब लास्ट 2 डिजिट पे 00 आ जाएगा। बात ये कब देगा ये लास्ट 2 डिजिट इनटू 3 9 कब देगा, ये 1 कब देगा इनटू 1 इनटू 9, ये 1 कब देगा इंटू 7 इंटू 3 9 देगा, ये 1 देगा इंटू 3 पे और इंटू 7 पे क्या देगा 9 देगा, हाँ है ना, बोलो भाई बहनों कोई दिक्कत, तो 2 0 तो नहीं हो रहा लेकिन 2 हो जा रहा है, हो रहा है क्या, यदि 2 रख रहे मतलब क्या 2 2 4, 8 9 16 6 बचेगा, 8 8 64 हो जा रहा है, हाँ है ना। क्या पूछा गया स्मॉलेस्ट, तो क्या होगा आंसर बोलो। नेक्स्ट अब बोला जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 y इज डिविजिबल बाय 11, द वैल्यू ऑफ y विल बी, क्या बोला जाता है, सम ऑफ द डिजिट एट अल्टरनेट प्लेस मस्ट बी इक्वल टू 11 और मल्टीपल ऑफ 11 और 0, है ना। चलो 3 1 4 5 9 7 16 ऊपर में कितना हो गया, 4 2 6 6 12 प्लस y, 12 प्लस y, हाँ है ना, डिफरेंस कितना होगा 4 माइनस y, ये सर नो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 4 होना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा, हाँ है ना, डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा थोड़ा सुन लीजिए, ये टॉपिक को देखा गया है 2023 तक, इनफैक्ट आज भी इंपॉर्टेंट लेकिन 2023 तक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, ठीक है, 2023 का इसका बहुत बड़ा रोल होता था, आजकल थोड़ा सा रोल कम हो गया, फैक्टर इसका बढ़ गया, 2024 में क्वेश्चन देखा जा रहा है CHSL का जैसे सेट हुआ उसमें देखा जा रहा है फैक्टर और इसका आपका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट का बढ़ रहा रोल, लेकिन इसका रोल कम नहीं हुआ, क्लियर। और उड़ीसा गवर्नमेंट में तो रोल भरा हुआ है, रेलवे में रोल भरा हुआ है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्लियर। अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, पहले जो आता था 2 4 6 8 10 11 13 यहीं तक आता था, लेकिन आजकल 43 37 किसी का भी पूछ लेता, कोई भी प्राइम नंबर का पूछ लेता, मतलब आज के डेट में कॉन्सेप्ट ऑफ सीड नंबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन गया, तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो सारा डिटेल्स पढ़ते हुए फिर क्वेश्चन, क्लियर। चलो तो इसमें पहला है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 16 32 रोल निकालना पहले हम लोग से, क्लियर बोलो दोस्त। अच्छा देखो इसमें पहला टॉपिक है अपना
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, सभी को आता होगा, ये आता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलता है? यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मस्ट बी व्हाट, 0, 2, 4, 6, 8, दैट इज व्हाट, इवन नंबर, यस और नो? यदि यूनिट डिजिट इवन नंबर होगा तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, हाँ है ना? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, बोलो, इवन नंबर, इवन नंबर होना चाहिए, यस और नो? अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, एनी नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, क्लियर? जब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा, यस और नो? ये माइनस 1 होगा, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा? 2 से कम होगा। आपको पता है डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर होना ही चाहिए, तो मैं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बताया, ऐसे लिख दिया हूँ ताकि बहुत सारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाता तो आपका काम आ जाए। क्लियर? कोई भी डिवाइजर से छोटा ही रिमाइंडर होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, यस और नो? इतने से बात लिख ली, बोलो दोस्त, आगे बढ़े। अब देखो यहां तक यदि आप हम लोग समझ लिए तब एक बात समझिएगा, 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय व्हाट, 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ये सर कोई दिक्कत नहीं, बोलो। एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा सर, चलो आगे बढ़े, यहां तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो यदि 10 देखो 2 से डिविजिबल है दोस्त, मैं क्यों बता रहा हूं यूनिट डिजिट पे सब नंबर होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं, 10 जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो अब यदि हम 11 लिखे हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 1, 12 लिखे हैं इसको 2 से डिवाइड कर दे, इसको लिख सकते 10 प्लस 2, 13 लिखे हैं इसको क्या लिखेंगे 10 प्लस 3, तो ये तो नंबर देखो दोस्त, ये जो नंबर है 10 तो कम्प्लीटली डिविजिबल 2 से है ही, है ना? हम चेक किसको करेंगे, 1 को 2 को 3, मतलब चेक किसको कर रहे हैं, यूनिट डिजिट को, है ना? किसको चेक कर रहे हैं, यूनिट डिजिट को, इसीलिए बोला 2 के केस में हमेशा यूनिट डिजिट को चेक करना है। क्लियर? समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट डिसाइड करे और कोई डिसाइड नहीं करने वाला हो। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, जो नोट करना है जल्दी जल्दी करते रहना, मुझे बाद में टाइम बर्बाद नहीं कराना, हो गया? अब आगे बढ़ जाओ, बोलो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, क्लियर? थोड़ा समझिए, यहां पर आपको पता है कि सिंस 100 इज कंप्लीटली डिविजिबल व्हाट, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो, 100 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अब यदि 100 4 से डिविजिबल है, क्लियर, तो अब आपको 112 को चेक करना, कैसे चेक करेंगे, 100 प्लस 12,
ठीक है, 983 को चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, 9 × 100 + 83 ठीक है, 1796 को चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, 17 × 100 + 96 क्लियर है, 28552 इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, 28285 × 100 + 52 हाँ है ना, बोलो। अब देखो यहां पर जितना नंबर लिखा हुआ इस रो में, इस कॉलम में, सबका सब देखो 100 का मल्टीपल है ये नहीं? ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये भी है डिविजिबल, ये भी है डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, डिसाइड कौन करेगा, यदि 12 होगा तो 112 डिविजिबल होगा, यदि 83 और 983 होगा, यदि 83 नहीं और 983 नहीं होगा, यदि 96 होगा तो 1796 होगा, यदि 96 नहीं और 1796 नहीं होगा, यदि 52 होगा तो 28552 होगा, यदि 52 नहीं होगा तो 28552 नहीं होगा, क्लियर। तो ये डिसाइड करने वाला है ये नहीं, बोलो दोस्त कोई दिक्कत है। अच्छा तो इस केस में जैसे देखो, सिंस 12 इज डिविजिबल बाय 4, 12 इज डिविजिबल बाय 4, 12 डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब क्या, 112 विल बी डिविजिबल बाय 4, 83 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब क्या, 983 विल नॉट बी डिविजिबल बाय, सिमिलरली देखो 96 इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब क्या, 1796 विल बी डिविजिबल बाय 52 इज डिविजिबल बाय 4, इट मीन्स व्हाट, 28552 विल बी डिविजिबल बाय, लास्ट टू डिजिट डिसाइड करता है, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, नोट इट डाउन। चलो क्लास में बाय। कॉल करते हैं यार, वीडियो कॉल क्लास के टाइम में, कुछ बताओ कितना मुश्किल हो जाता है, कोई बात नहीं, अपने पास तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, सब हट जाएगा। खैर आगे बढ़े, यहाँ तक बात समझ में आए, अब थोड़ा सा बात को समझिएगा। इस केस में हम लोग क्या किए, दो 4 का डेरिवेटिव रूल क्या बोला, इसका 4 का डेरिवेटिव रूल क्या बोला, चेक लास्ट टू डिजिट, इफ लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय व्हाट, 4 अदरवाइज द गिवन नंबर कोई दिक्कत है, बोलो लिख लियो। 4 का डेरिवेटिव रूल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब अगले टॉपिक पे चला जाए, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या था, दो बोलो, डेरिवेटिव रूल ऑफ 8, चलो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब देखो इसको तुरंत मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आपको पता है कि 1000 8 से डिविजिबल होगा, 1000 विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, यस और नो, इसका मतलब देखो ध्यान से, तो हम लोग 1 2 4 8
इसको यदि चेक करना हो क्या लिखेंगे बोलो, 1000 प्लस 248, यस और नो? अब लिखना आपको जैसे 1512, इसको क्या लिखेंगे 1000 प्लस 512। अब लिखना आपको 19643, इसको क्या लिखेंगे बोलो, 19 इंटू 1000 प्लस 643 है ना, बोलो दोस्त। अच्छा थोड़ा सा बात समझिएगा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि भैया ये जो नंबर है तो 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है और ये भी 8 से डिविजिबल है। डिसाइड करने वाला कौन है यहाँ पर? लास्ट 3 डिजिट है ना। 248 आपको दिख रहा है कि 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है? 1248 डिविजिबल है। आपको दिख रहा है 512 इज डिविजिबल बाय 8, 8 का क्यूब होता है, हाँ है ना, तो 1512 विल बी डिविजिबल बाय 8। आपको दिख रहा है 643 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, इसका मतलब क्या है? 19643 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8, यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो यार। ओके, अब देखो इसमें क्या करेंगे, चेक लास्ट 3 डिजिट, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 given number will be divisible by 8, otherwise it will not be divisible by 8, khatam। mere paas thoda suvidha tha, hum thoda jaldi likh liye, aap log likh liye, katha hai jo, theek hai, chal aage badhe, ho gaya, aage badhenge, khatam। acha अब थोड़ा सा मैं लॉजिकल बात बताता हूं। अच्छा टू के केस में हम लोग क्या कर रहे थे बोलो तो, चेक क्या कर रहे थे? यूनिट डिजिट है ना। फोर के केस में चेक लास्ट टू डिजिट, एट के केस में लास्ट थ्री डिजिट, यस और नो? अच्छा टू को देखो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, टू टू द पावर वन, इसको क्या लिख सकते हैं? टू टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? टू टू द थ्री, ठीक है। यहां पर देखो पावर है वन तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे, यहाँ पावर है टू तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे, यहाँ पावर है थ्री तो क्या चेक कर रहे थे, हाँ है ना। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, 16 में क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे बोलो तो? आपको पता चलेगा सर 16 32 64, जो लेना है ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना? बोलो बोलो दोस्त, इसमें क्या लिखेंगे सर? तो ये बनेगा 2 to the power 4, ये बनेगा 2 to the power 5, ये बनेगा, ठीक है बोलो। इसमें क्या चेक करें 16 के केस में? बोलो जल्दी से, लास्ट फोर डिजिट। इसमें 32 में और 64 में लास्ट, समझ में आया कि नहीं बात? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकते हैं, बोलो भाई बहनों, क्लियर है यहां तक बात? बोलो तो। अच्छा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, ये आगे बढ़ते जाए, 2 to the power n का आप बता सकते क्या हुआ, क्या चेक करेंगे? लास्ट, चेक लास्ट n डिजिट, यस और नो? ये जनरलाइज कर दिया, जनरल केस है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ गया? बोलो भाई बहनो, आवाज आते रहना चाहिए, मरे हुए रहो नहीं पढ़ाने मजा आएगा। आप लोग समझ रहे हो मैं किस पैटर्न में पढ़ा रहा हूं, एक टाइप का चीज एक जगह पढ़ा दे रहा हूं, मैं नंबर नहीं देख रहा हूं, पहले 2 का पढ़ेंगे फिर 3 का पढ़ेंगे फिर 4 का पढ़ेंगे, वो लास्ट में समराइज कर दें, क्लियर है?
अब थोड़ा समझिएगा, ध्यान से देखना। अब अगला टॉपिक है अपना इसमें डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ व्हाट, ठीक है। तो थ्री का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसान है, आपको पता होगा क्या होता है। तो चेक व्हाट, सम ऑफ डिजिट, इसी को बोलते हैं डिजिटल सम, और इसी का एक्रोनिम होता है डीएस। क्लियर है, बोलो। चेक सम ऑफ द डिजिट्स, यस और नो। चलो, इफ डीएस इज व्हाट, डिविजिबल बाय 3, द गिवन नंबर विल बी, अदरवाइज व्हाट, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिविजिबल व्हाट। यहां तक बात क्लियर, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बोलो, पक्का लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़े, बोलो दोस्त। अच्छा, एग्जाम्पल 1, 2, 3, तो आप यहाँ क्या चेक करेंगे, 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्या पता चला, 1, 2, 3 डिविजिबल है, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, 9, 8, 1, 2 चेक करो, 9 + 8 + 1 + 2 कितना होगा, बोलो, कोड ये नॉट डिविजिबल, डन, कोई दिक्कत नहीं, बोलो दो, आगे बढ़े जाए, आगे बढ़े। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, चेक सम ऑफ द डिजिट्स, इफ डिजिटल सम इज डिविजिबल बाय 9, द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है, बोलो दोस्त। तो जल्दी से लिखो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। हो गया, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 3 चेक करो क्या जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3 कितना हो गया, 18, डिविजिबल हुआ, अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
अब सिर्फ इतना लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 बस इतना लिखा, ठीक है। ये डिविजिबल हुआ 9, ये नंबर है, ये नॉट डिविजिबल हुआ 9, हाँ है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हम लोग इतना मेहनत करने के अलावा कुछ ऐसा भी कर सकते हैं क्या? 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो 9 को काट दो, 4 3 7 2 9 काट दिए, 5 3 8 1 9 कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा, क्लियर। 9 को काट के हटा दो। अब इसमें यदि हम लोग काटेंगे, 9 को काट के हटाने के बाद जो बचेगा उसको 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, क्लियर। 5 4 9 ये तो पूरा उड़ गया, 5 4 9 और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, जो बचा क्या है? 6, नॉट डिविजिबल बाय 9 बट डिविजिबल बाय 3, है ना। इसीलिए डिजिटल सर में आपको सिखाया जाता है कि 9 जो रहता है उसको उड़ा दो, है ना। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर है? नोट इट डाउन, 3 और 9 दोनों बता दिया आपको, है ना, समझे कि नहीं। चलो देखो, हो गया तो बोली, हो गया, आगे बढ़े। नोट बनाकर एक बात लिखिएगा, लिखिएगा नोट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सॉरी, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट विल ऑटोमेटिकली बी डिविजिबल बाय 3, इट विल ऑटोमेटिकली बी डिविजिबल बाय 3, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, क्लियर है, बोलो दोस्त, आगे बढ़े, यहां तक बात खत्म। क्या लिखे? कोई नंबर यदि 9 से डिविजिबल होगा तो 3 से होगा ही होगा, लेकिन 3 से होगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि 9 से हो। एग्जांपल हम लोग यहां पर किए थे, ये 9 से हो रहा है तो 3 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन ये 3 से हो रहा है तो 9 से नहीं हो रहा, हो भी सकता है नहीं भी होगा, क्यों? सिंस 3 इज फैक्टर ऑफ 9, यदि कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो 3 से होगा ही होगा, बट 9 इज नॉट फैक्टर ऑफ 3, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्लियर, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, सबसे टफ टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 और 10, है ना, सबसे टफ है क्या? नहीं है, नहीं क्या यार, मजाक का तो, छुटकी टफ है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग बचपन में पढ़े थे एनी नंबर एंडिंग विद 0 और 5, पढ़े थे कि नहीं? तो यूडी पे क्या चाहिए? 0 और 5, बात खत्म। और इससे भी ज्यादा टफ क्या है? 10 का क्या बोलता है? एनी नंबर एंडिंग विद यूडी क्या हो जाएगा? 0 होना, बात खत्म। हो गया, आगे बढ़े हैं, बोलो,
आगे बढ़े। तो हम लोग को जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब कुछ चीजें हमको सीखना है। जैसे थोड़ा सा एक बात बताइएगा, बात करेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सिक्स का, ठीक है। सिक्स का बात करेंगे हम लोग, और ये जो है आपका जितना आप लोग जानते हैं अभी तक मैं आपको ज़्यादा बताया नहीं, 7 बताया नहीं, 11 बताया नहीं, 13 बताया नहीं, टोटल प्राइम नंबर कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आप जानते हैं सिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 × 3। इसका मतलब क्या है, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से होना, तभी वो 6 से होगा। यदि मैं आपसे 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछता तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 9 × 8। 9 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए, को प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखना, को प्राइम। क्लियर है, समझ में आ रही बात है, क्लियर है, को प्राइम होना चाहिए। आगे बढ़े, तो 6 का को प्राइम है 2 और 3, यस और नो? तो हम लोग चेक करेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल, तो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय व्हिच इज डिविजिबल बाय व्हाट, टू एंड थ्री बोथ विल बी डिविजिबल बाय व्हाट, कोई दिक्कत नहीं, बोलो 72 का क्या होगा, आप लिखे थे इसको 8 × 9, तो क्या बोलेंगे, एनी नंबर डिविजिबल बाय 8 और 9। बोले सर 72 क्यों बता रहे, ताकि आपको ये रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि को प्राइम फैक्टर से ही निकालते हैं, बड़ा नंबर का निकालना होता है। 12 का क्या देखेंगे, हाँ 6 × 2 को प्राइम है क्या, 3 और 4, क्लियर, को प्राइम फैक्टर देखना है, कोई दिक्कत है। 18 को क्या देखेंगे, 9 × 2 या 3 × 6, 3 × 6 गलत है, 9 × 2, क्लियर, को प्राइम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, को प्राइम क्या होता है, दोज नंबर विच हैज एग्जैक्टली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, एक ही कॉमन फैक्टर होगा वो भी 1 होगा, हम लोग पढ़ चुके थे एलसीएम एचसीएफ में डिटेल वे में, है ना। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अब इसमें एग्जांपल कराने की जरूरत है क्या, बोलो तो 96। अच्छा एक चीज और बताइए, थोड़ा सा ऐसे ही आपको खींच रहा हूँ, कोई तो बड़ा बात नहीं पूछ रहा आपसे, 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। अच्छा मुझे बता, 6 से जो नंबर डिविजिबल होगा इवन होगा या ऑड, इवन होगा, कंपलसरी उसको इवन होना ही पड़ेगा, ऑड नहीं हो सकता, क्यों, 2 आ रहा है उसमें, 2 तो उसी से होगा जो इवन होगा, हाँ है ना, तो कभी भी ऑड नंबर 6 से डिविजिबल होगा क्या, हो ही नहीं सकता, ऑड है मतलब आउट है वो, है ना, जब भी चेक करना इवन को ही चेक करना है, क्लियर। मैं बोलूं 97 को चेक करके बताओ, चेक क्यों करें, ये तो ऑड नंबर है, बात समझ। फिर आपके पास दे रखा है 9972, ठीक है, इसको चेक करना है कि आपसे डिविजिबल है 7 से या नहीं, देखिएगा ध्यान से, 8918 को आपको चेक करना है कि भैया मुझे बताओ 7 से डिविजिबल है, सबसे आसान तरीका है 7 से डिवाइड करके, हम लोग बचपन से चेक करते हैं, 7 × 1 = 7 बचेगा 1, 7 × 2 = 14 बचेगा 5, 7 × 7 = 49 बचेगा 2, 7 × 4 = 28 हो गया डिविजिबल, करते कि नहीं, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट को बाहर निकाल लो, क्या है यूनिट डिजिट, 8, उसका डबल करो कितना होगा, माइनस करो कितना होगा, बोलो 11 में से 5, 8 में से 1 = 7, 8 है ना, अभी भी पता नहीं चल रहा है 7 से डिविजिबल है ये नहीं, ठीक है, फिर से यूनिट डिजिट को आउट कर लो, निकाल लिया, क्या बचा, निकाले किसको, यूनिट डिजिट में क्या है, 5 का डबल माइनस कर दो। अब मुझे बता डिविजिबल है क्या 7 से, 77 इज डिविजिबल बाय 7, इट मीन्स व्हाट, 8918 विल बी डिविजिबल बाय व्हाट,
समझ में आया बात? बोलो, कोई दिक्कत? जोर से बोलो। चलो इसको आप बनाइए दोनों को, आप चेक करके बताइए डिविजुअल है नहीं। चेक कर लिए सबका हो गया? कोई दिक्कत नहीं? बोलो, इसको ये डिविजुअल है या नहीं? 39774 डिविजुअल है ये? नहीं। क्लियर? प्रोसेस समझ में आ गया? यूनिट डिजिट को उठाओ, डबल करो, माइनस करो, हाँ है ना? चलो सात हो गया। अब क्या बता? 11 11 किया जाए? बोलो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। चलो अब इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए। इसमें कुछ नंबर आपके पास दिया हुआ, 121 1331, 77 00, ठीक है, 3113, उसके बाद दे दिया हूं 14641, बेसिक से नंबर दिया हूँ, इसको चेक करके बताना डिविजिबल है। तो आप क्या करेंगे जानते हैं? सम ऑफ द डिजिट एट अल्टरनेट प्लेस, इसका अल्टरनेट ये, इन दोनों का सम कितना है? सम ऑफ द डिजिट एट द रिमेनिंग प्लेस कितना? 2। इन दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब है 121 इज डिविजिबल। सम ऑफ द डिजिट एट अल्टरनेट प्लेस कितना? सम ऑफ द डिजिट एट रिमेनिंग प्लेस डिफरेंस, इसका मतलब है डिविजिबल है। क्लियर? चेक करो बाकी सब। हो गया सबका सब डिविजिबल है, हाँ ना? सब डिविजिबल है तो चेक कर लिए, जल्दी जल्दी करो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ और नंबर लिख रहा हूं, देखिएगा। चलो चलिए बताइए, चेक करके बताइए डिविजिबल है नहीं। 11 का चेक कर ली। चलो इसको देखो, तो सम ऑफ द डिजिट एट अल्टरनेट प्लेस, 4 2 6 7 कितना हो गया? 7 0 7 7, रिमाइंडर 0, इसका मतलब है डिविजिबल है ना? इसको चेक करते हैं,
सात दो नौ, नौ पांच चौदह, डिफरेंस माइनस फाइव है ना, नॉट डिविजिबल है ना। अच्छा इसको चेक करें, छह पांच ग्यारह नौ कोड़िए, सात दो नौ डिफरेंस ग्यारह मतलब डिविजिबल, ठीक है। डिफरेंस या तो जीरो या तो मल्टीपल ऑफ इलेवन हो, सुनो ध्यान से, डिफरेंस या तो जीरो आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ इलेवन आ जाए तो नंबर विल बी डिविजिबल, अदरवाइज इट विल नॉट। क्लियर? बाकी दो चेक करो आप। आगे बढ़े, बोलो दोस्त, दोनों नंबर डिविजिबल है? कोई नहीं है, ऊपर वाला छह छह बारह पांच सत्रह, दो दो चार दो, डिफरेंस डिविजिबल है। अच्छा आठ छह चौदह सात इक्कीस, चार तीन सात एक आठ मतलब तेरह, नॉट डिविजिबल है ना। समझ में आया बात? बोलो, नोट कर लो। हो गया तो आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। अच्छा दोस्त यहां तक तो बेसिक बात है, सब जानता है, सब बच्चे को पता होना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद आता है एक मेन गेम शुरू होता है। एक्चुअल में पहले जो होता था ना, एसएससी का क्वेश्चन जो होता था यहीं तक से बन जाता था, इतना ही पढ़ने से बच्चों को सारा बुक में, अभी भी आपका बुक में जितना क्वेश्चन है सब इससे बन जाएगा, लेकिन 2023-24 वाला क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। क्लियर? तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल पढ़ने की अब जरूरत है। क्लियर? चलो, अदरवाइज मैं तो पढ़ा रहा हूँ 2017 से ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सीड नंबर वगैरह सब बता रहा, लेकिन अब उसका यूटिलिटी आ रहा, पहले से यूटिलिटी नहीं था। चलो देखते हैं, पहले आप समझिएगा, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह इतना सबको आता है, आपको ऐसा नहीं सिर्फ आपको आता है। चलो बताइएगा, दो का डिजिलिटी रूल क्या बोलता है? यूनिट डिजिट को चेक करो, हाँ है ना, समराइज कर रहा हूँ, तीन का क्या बोलता है? अच्छा अच्छा एक चीज यहाँ पर पहले, इलेवन का तो समराइज कर देते, इसको समराइज नहीं किया पहले, फिर आगे बढ़ेंगे है ना, इसको पहले समराइज कर देता हूँ। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ इलेवन क्या बोलता है? क्या बोलेंगे? सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट, डिजिट एट अल्टरनेट प्लेस माइनस सम ऑफ द डिजिट एट रिमेनिंग प्लेस। क्या होना चाहिए? इक्वल टू जीरो और मल्टीपल ऑफ व्हाट? इलेवन, मल्टीपल ऑफ इलेवन, या तो जीरो होगा या फिर मल्टीपल ऑफ इलेवन होगा, तभी नंबर आपका डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए? चलो आगे बढ़े।
कोई दिक्कत नहीं है। चल तो अब हम लोग समराइज कर रहे थे, दो का डिविलेटर रूल क्या बोलता है, यूनिट डिजिट को चेक करना है। थ्री का क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट्स। थ्री का हो गया। फोर का क्या बोलता है, लास्ट। फाइव का क्या बोलता है, यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, जीरो और फाइव। सिक्स का क्या बोलता है, दो और तीन, दोनों से चेक करके बताओ, है ना। सात का क्या बोलता है, यूनिट डिजिट को लो, डबल करो, माइनस करो, है ना। बोलो तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिट डिजिट को लेके इनटू डबल करके माइनस करना, है ना। चल आठ का क्या बोलता है, लास्ट थ्री डिजिट। नौ का क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय व्हाट, नाइन। दस का क्या बोलता है, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, जीरो। ग्यारह का तभी तुरंत बताया था, ताजा ताजा बताया हमने। चलो ग्यारह क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट एट अल्टरनेट प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट रिमेनिंग प्लेस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो और मल्टीपल ऑफ इलेवन। कोई दिक्कत नहीं, नोट इट डाउन। अच्छा ये पूरा समरी बता दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अभी तक पढ़े थे इतना ही बात पढ़े, एक तू सा बात पढ़ने में आप इतना टाइम खा गए। अभी तक जो पढ़े थे आपका बचपन का रिवीजन चल रहा था, स्कूल में इतना ही पढ़े थे ना, ऐसे ज्यादा पढ़े थे, इतना ही पढ़े थे ना। चल अब थोड़ा सा हम लोग बड़े हो गए, है ना। अच्छा ग्यारह के बारे में एक बात और आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। 11 थोड़ा सा खूबसूरत नंबर है, ना। 11 है क्या, जब एक दो बार रिपीट हो तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो तो 11, है ना। ये कितने बार रिपीट होता है, दो बार, मतलब क्या है, इवन टाइम्स, हाँ है ना, क्या होता है इसका मतलब, इवेंट टाइम्स। तो यदि ऐसा होता है ना दोस्त, तो जितना भी नंबर, कोई भी दुनिया कोई भी नंबर ले लो, यदि वो इवेंट टाइम्स खुद को रिपीट किया है तो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 55 7 7 7 7 7 7, कोई भी नंबर ले लो, यदि वो इवेंट टाइम्स खुद को रिपीट किया है, मतलब क्या, वो नंबर इंडिविजुअल है। टेंशन लेने की नहीं, ऑड टाइम्स नहीं बोल रहा हूं, क्या बोला हूं, इवेंट टाइम्स। यदि कोई भी नंबर खुद को इवेंट टाइम्स रिपीट कर ले, मतलब क्या है, वो डिविजिबल है, पक्का लॉक कर दिया जाए, नोट इट डाउन। दोज नंबर हु रिपीट्स इटसेल्फ, दोज नंबर हु रिपीट्स इटसेल्फ इवेंट टाइम्स will be divisible by, will be divisible by what, 11. हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बोलो भाइयों बहनों, यहां तक बात क्लियर है सभी को। अब दोस्त देखो, जैसे हम लोग 2 to the power n तक पढ़े थे ना, 2 का 1 2 का 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 का 4 2 2 का 5 पढ़े थे नहीं, उसी तरीके से कुछ और हमको जरूरत है एक चीज, जानते क्या, 5 to the power 1, ठीक है, क्या होता है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 120, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियस से बात है, हम लोग यूनिट डिजिट चेक करेंगे, इसमें
लास्ट टू डिजिट चेक करेंगे, इसमें लास्ट थ्री डिजिट चेक करेंगे, ध्यान रखना ठीक है। पावर जितना होगा उतने बार चेक करेंगे लास्ट, क्लियर है। फाइव टू दी पावर फोर का लास्ट फोर डिजिट, क्लियर। अच्छा इसका डिविलिटी रूल क्या बोलता है, यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, जीरो हो या फिर पांच। अच्छा 25 का डिविलिटी रूल क्या बोला, किसको चेक करेंगे, लास्ट टू डिजिट पे क्या हो, फर्स्ट डिविजिबल है फाइव, ये 25 यस और नो, एक्चुअली बोथ, लेकिन हम 25 पे चेक कर रहे हैं, 100 इज डिविजिबल है 25, तो इसमें देखो लास्ट टू डिजिट पे क्या होना चाहिए, डबल जीरो तो भी चलेगा, लास्ट टू डिजिट पे 25 हो तो भी चलेगा, लास्ट टू डिजिट पे 50 हो तो भी चलेगा, लास्ट टू डिजिट पे 75 हो तो भी चलेगा। इसके बाद हम किए कुछ नहीं, 25-25 ऐड कर दिए, एक बार फिर से 25 ऐड करें 100 बन जाएगा, मतलब लास्ट टू डिजिट पे डबल जीरो आ जाएगा, बात खत्म। लास्ट टू डिजिट पे सब नंबर रहेगा मतलब वो नंबर 25 से डिविजिबल है, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अच्छा 125 के लिए क्या करेंगे, लास्ट थ्री डिजिट क्या क्या होना चाहिए, 1000 डिविजिबल होता है 125 से, हाँ है ना, अब 125-25 ऐड कर दो क्या हो जाएगा, 125 हो तो भी चलेगा, 250 हो तो भी चलेगा, 375 हो तो भी चलेगा, 500 हो तो भी चलेगा, 625 हो तो भी चलेगा, 750 हो तो भी चलेगा, 875 हो तो भी चलेगा, इसके बाद तो कुछ लेगा ही नहीं, फिर 000 आ जाएगा, हाँ है ना, समझ में आ गया, नोट इट डाउन। कोई डाउट, अच्छा बात ऐसा है कि आपका बुक जो है बैच 44 बैच 45 और आगे जितने आने वाले बैच होंगे किसी के साथ आपका बुक मैच नहीं करेगा, उनका बुक अपडेट हो चुका है, अपडेटेड बुक उनके पास गया, ठीक है, घबराने की बात नहीं, आपको आज तक का जितना अपडेटेड क्वेश्चन होता सब कराता होते कि नहीं, है ना, टेंशन लेने कोई बात नहीं, छुटकी समझी, वो तो बोले सर हमको 2018 का ही मिला है। आगे बढ़े, बोलो, यहां तक बात सब लोग समझ गए, कभी कभी आ जाता 25-125 का आ जाता तो वहां पे घबराना नहीं है, क्लियर है, हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे, 125 मतलब लास्ट थ्री डिजिट चेक करना है, तीन को जीरो बिठाएंगे 125 ऐड कर देंगे, सब नंबर है क्या, नहीं तो बात नहीं है, क्लियर। अच्छा अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा कोई भी प्राइम नंबर का बात करते हैं, पहले तो मैं आपको प्राइम नंबर एक बार लिख देता हूं ताकि आपका माइंड में रहे प्राइम नंबर कौन कौन सा है, कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, बताइए, चलो लिखो 2, 3, 5। अच्छा देखो जो नंबर प्राइम हो जाएगा उसका मल्टीपल कभी प्राइम होगा, जो नंबर प्राइम हो जाएगा उसका मल्टीपल कभी प्राइम नहीं होगा, यदि 2 प्राइम हो गया 2 का मल्टीपल कभी प्राइम होगा नहीं होगा, और 2 एक इवन नंबर है, मतलब अब 2 के अलावा दुनिया कोई ऐसा इवन नंबर नहीं जो प्राइम हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 है, समझ में आया क्यों नहीं, क्योंकि 2 का मल्टीपल कभी प्राइम नहीं हो सकता। अब 3 का मल्टीपल कभी प्राइम होगा, 5 का मल्टीपल प्राइम होगा, 7 का मल्टीपल प्राइम होगा, 9 का मल्टीपल 9 प्राइम होगा, 3 इज मल्टीपल 3 का मल्टीपल है, यस और नो, नहीं होगा, 11 13 15 होगा, क्यों, 3 और 5 दोनों का मल्टीपल, चलो 17 19 21 होगा, 23 हाँ 29 31 33 नहीं होगा, 35 37 39 नहीं होगा, 3 का मल्टीपल
है ना। उसके बाद फिर 45 होगा, 47, 49 होगा, 51 होगा, 53, 55, 57, 59, 61, 63 होगा, नहीं 3 का मल्टीपल है बुढ़वक है ना, 65, 5 का मल्टीपल है 67, हब्बो हब्बो हब्बो, 69 नहीं होगा ठीक है, 71, 73, 75, 77 होगा, क्यों 7 का नहीं है, चलो 79, 81 हब नहीं हो, 83, 85 नहीं होगा, 87 अच्छा, 89, 91 नहीं होगा, 93, 95, 97 क्लियर। तो 1 से 100 के बीच में इतना ही प्राइम नंबर है, टोटल 25 है, काउंट कर लो। है ना, और 1 से 50 के बीच में 15 को प्राइम नंबर है, देख लो। है ना, आगे बढ़े। अच्छा, अब प्राइम नंबर को ध्यान से देखो, जो कम से कम 2 डिजिट का हो, 2 डिजिट से बड़ा हो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 डिजिट का हो, जितना भी प्राइम नंबर, ध्यान से देखो, देख लो। देख लिए, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, जितना अच्छे से देख सकते हो देख लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। देख लिए, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कोई भी प्राइम नंबर जो कम से कम 2 डिजिट का, 2 से ज्यादा डिजिट भी हो चलेगा, ठीक है, यूडी ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 7 कर देते हैं, चलो दिखेगा। कोई भी प्राइम नंबर 7 से बड़ा हो, चाहे वो जो होना है मुझे, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा, इसके अलावा यूनिट डिजिट पे कुछ भी, इसका मतलब प्राइम तो हो ही नहीं सकता, होगा क्या, है ना। एक बात ऑब्जर्व किया, किए थे या नहीं, यूनिट डिजिट पे यही होगा, जहां होना है देख लो, इसके अलावा कुछ हो ही गए। कोई भी प्राइम नंबर दुनिया में रहेगा तो आपको कभी कभी रेलवे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर, यूनिट डिजिट चेक कर लो, तो बोलेंगे सर कभी कभी 2 ऑप्शन में यदि यूनिट डिजिट सेम आ जाए क्या करेंगे, उसके लिए अगला स्टेप बताना, टेंशन नहीं, ठीक है। अब देख लो, कोई भी प्राइम नंबर यदि 7 से बड़ा, जितना प्राइम नंबर हो दुनिया का, कोई भी प्राइम नंबर देख लो, कोई भी प्राइम नंबर देख लो दुनिया का जो 7 से बड़ा हो, उसको हम लोग लिख सकते हैं एनी प्राइम नंबर, 7 से बड़ा क्यों, इसको 5 से बड़ा है, नहीं 3 से बड़ा ही बोलने चलेंगे, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ
सिक्स के प्लस माइनस वन, सिक्स के प्लस माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलेंगे सर ये क्या रायता फैला दिए, लिखिए फिर बताते हैं। लिख दिए, लिख लिए। आगे और भी एक बात मैं ऐड कर देता हूं ताकि आपके मन को कंफ्यूजन नहीं हो। ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिक्स के प्लस माइनस वन इज नॉट प्राइम, सारे प्राइम नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन सारा नंबर जिसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे वो प्राइम होगा इसका कोई गारंटी नहीं। समझ में आया? अब मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूं अपना स्टेटमेंट हम क्या लिखा है। चलो आगे बढ़े, लिख लियो। अच्छा तो देखो ये जो जितना नंबर हम लोग लिखे हैं सबका सब प्राइम है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो तो कोई दिक्कत है किसी को? अब इसमें जो आपको सबसे सुंदर नंबर लग रहा है बताओ, कोई भी जो आपको सुंदर लगे, खाली इतना सा बात है कि सात से बड़ा होना चाहिए इसको, अच्छा जो लगे बता दीजिए। क्या अच्छा लग रहा है? 61 कोई बोला, चलो देखते हैं 61, 61 को 6 से डिवाइड दो, 6 इंटू 10 प्लस 1 लिखेंगे नहीं, 6 के प्लस माइनस 1 है ना। 59 को देखो, 6 इंटू 10 माइनस 1 और कुछ बोलो, 83 लिखो, 6 इंटू 14 माइनस 1 और बोलो 97 देखो, 6 इंटू 16 प्लस 1 है ना। जो भी प्राइम नंबर रहेगा उसको 6 से डिवाइड करते रिमाइंडर क्या देगा, तो प्लस 1 देगा या माइनस 1 देगा। अब इससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर, पहले चेक करेंगे डिजिट पे क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 1379, दो ऑप्शन में यदि आ गया 6 से डिवाइड करके देख लेंगे रिमाइंडर या तो प्लस 1 दे या माइनस 1 दे, इसके अलावा कुछ भी रिमाइंडर देगा तो नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? रेलवे क्वेश्चन खत्म है ना। तो आप बोलेंगे सर ये जो लास्ट में लिखे है इसका मतलब क्या, ग्रीन कलर में जो लिखे ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6 के प्लस माइनस 1 इज नॉट प्राइम, बताइए तो इसका मतलब क्या, तब हम जाने। आप ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके मन में, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, बोलो तो, बोलते ही नहीं हो तुम लोग, आसू मुँह अच्छी ठीक है। अब दोस्त देखो, देखो तो 25 को क्या लिख सकते, 6 इंटू 4 प्लस 1 प्राइम है क्या? है हाँ नहीं, गजब करते हो, ठीक है। अच्छा आप इसको देखो ध्यान से, और क्या बोले, और कुछ पूछना है बोली? तो जैसा भी नंबर हो ये प्राइम होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि वो प्राइम नंबर है तो 6 से डिवाइड करते रिमाइंडर क्या देगा, प्लस 1 या माइनस 1, लेकिन सारा नंबर जो 6 से डिवाइड करने प्लस 1 या माइनस 1 दे प्राइम नहीं होगा। देखो यूनिट डिजिट पे क्या है, प्राइम तो हो ही नहीं सकता आगे बढ़े, बोलो कोई दिक्कत, खत्म हो गया, बोलो यार। अच्छा तो अब आपसे कभी कोई पूछ ले 31 का डिविडेंड रूल बताओ, तब जाने हम तुमको, आप क्या बोलेंगे? पागियस बोलेंगे नहीं, जल्दी एटू पढ़ा नहले भलो भलो भाषा वाली बोलोगे नहीं, कहाँ पाई से कथा मुझे जाननी, टीचर पाई ना से पिला पाई मुझे जाननी।
चलो तो मेरे लिए एटलीस्ट ना लिख ले, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको सिखा देंगे सारे नंबर का डेबिलिटी रूल, दुनिया में जितना नंबर एग्जिस्ट करता है कोई भी नंबर होगा सबका डेबिलिटी रूल आपको आएगा, तब उस पर हम लोग काम करेंगे। आगे बढ़े, चलो तो अगला टॉपिक लिखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मंजी संख्या, ठीक है, मंजी संख्या लिखी हुआ नहीं, सीट नंबर लिखी हुआ, ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको अभी हम बताए थे कुछ ऐसा चमत्कारी नंबर है जो प्राइम नंबर में ही आता है, इसी से मिलके प्राइम बनता है, हाँ है ना, और ये चमत्कारी नंबर हम इसीलिए बोल रहे हैं, सिर्फ प्राइम में आता है इसलिए नहीं, और भी कुछ बात है। सिर्फ इतना बात नहीं है, और भी कुछ बात है, देखिएगा, वन थ्री सेवन नाइन, ये एक ऐसा नंबर है ना दोस्त जिसको आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार वन देगा एक बार नाइन देगा सब, ठीक है, जैसे देखो तो इंटू वन इंटू सेवन इंटू थ्री इंटू नाइन, यूनिट डिजिट पे देखो क्या देगा, वन 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 देगा नहीं, बोलो तो, थ्री इंटू सेवन करें ट्वेंटी वन यूनिट डिजिट पे वन, सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन यूनिट डिजिट पे वन, नाइन इंटू नाइन एटी वन यूनिट डिजिट पे वन। अब इसमें देखो नौ तीन सात एक, यूडी बताओ क्या होगा, वो नाइन नाइन होगा ना, नाइन नाइन नाइन, बात समझ रहे हो, बोलो, हाँ या ना, कोई दिक्कत है, बोलो तो, वन थ्री सेवन नाइन की खूबसूरती देख रहे हो, एक बार वन देगा एक बार नाइन देगा सब देगा, हाँ या ना, चलो लिखो, लिख लिए तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया, कोई दिक्कत, बोलो भाई बहनों, अम्बा खत्म। अब दोस्त देखो, जितना भी प्राइम नंबर है लिखो, पांच तक तो हम जानते ही है ना, पांच के बाद दिक्कत होता है ना, बोलो तो क्या क्या है, सात, फिर तेरह, फिर 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 इसके आगे भी लिखना है, बोलो तो बता देंगे, चलो उसके बाद ट्वेंटी नाइन, फिर थर्टी वन, सब तो हम ही बताएंगे, तुम लोग क्या करोगे, गजब कर रहे हो यार। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखिएगा, ये सब सब प्राइम नंबर है, हाँ है ना, मतलब क्या है, यूनिट डिजिट पे या तो सात होगा या वन थ्री सेवन नाइन ही होगा और कुछ नहीं होगा, हाँ है ना, और वन थ्री सेवन नाइन में खूबसूरती होता है, एक बार सात देगा एक बार नौ देगा एक बार एक देगा, हाँ है ना, एक कब देगा ये इंटू थ्री, नाइन कब देगा ये, एक कब देगा इंटू वन इंटू नाइन, ये एक कब देगा इंटू सेवन इंटू थ्री नाइन देगा, ये एक देगा इंटू थ्री पे और इंटू सेवन पे क्या देगा नाइन देगा, हाँ है ना, बोलो भाई बहनों, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, बोलिए। अच्छा ये वन कब देगा नाइन कब देगा, वन देगा नौ पे नाइन देगा एक पे, बोलो यार, और इसका क्या कहानी है, ये वन देगा सात पे और नौ देगा तीन पे, देगा कि नहीं,
कोई दिक्कत है? इतना मैं बताऊंगा, इधर आप बनाएंगे, क्लियर? अच्छा अब दोस्त देखो, 7 × 3 कितना होता है? 7 × 7 11 × 1 11 × 9 13 × 7 13 × 3 17 × 3 17 × 7 11 19 × 9 171 19 × 9 23 × 7 161 चलो 23 × 3 69 कोई दिक्कत नहीं है? बोलो यहां तक क्लियर है बात? बोलो बोलो भैया सब। देखो यूनिट डिजिट पे 1 और 9 दिया है कि नहीं? हाँ है ना। अच्छा अब दोस्त ध्यान से देखना मेरा बात को, इस 21 को जितना भी ये नंबर है ना दोस्त, यहाँ पे जितना नंबर है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक फॉर्मेट में। जानते हो फॉर्मेट क्या है? क्या है बोलिए तो? ये जितना भी इस रो में जितना नंबर लिखा हुआ सबको हम लोग लिख सकते हैं 10K ± 1 के टर्म में। सबको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? जैसे 21 क्या लिख सकते बोलो? 10 × 2 + 1 49 क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं बोलो? 11 क्या लिखेंगे? टेन इंटू टेन कोई दिक्कत नहीं है? 91 क्या लिखेंगे बोलो? 39 को 10 × 4 माइनस, बहुत बढ़िया। 51 को 119 को 10 × 12 माइनस 1। 171 को 19 को 10 × 2 माइनस 1। 161 को 69 को 10 × 7 माइनस 1। सबको 10K ± 1 के फॉर्मेट में लिख दिया कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? बोल दो भाइयों बहनों, कोई दिक्कत ना है? अच्छा अब हम लोग निकालेंगे क्या जानते हैं? सीड नंबर। क्या निकालेंगे? मंजी संख्या। ठीक है, क्या निकालेंगे बोलो? सीड नंबर। अच्छा देखो ध्यान से, सीड नंबर निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा 10 के साथ क्या इंटू हुआ है। 10 के साथ क्या इंटू हुआ है बोलो तो? 2 और दूसरा यही होगा सीड नंबर। अब प्लस हो गया या माइनस वो डिसाइड करना है। देखना दोस्त ध्यान से, प्लस हो गया माइनस 2, 10 के साथ जो इंटू हुआ उसके साथ क्या लिखा हुआ है उसका उल्टा। 10 के साथ जो इंटू हुआ उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसका उल्टा। तो 7 का सीड नंबर क्या होगा? -2 और +5। क्लियर है? पेन डाउन, ध्यान से सुनो। क्या क्या मिला? -2 और +5। याद करो 7 का डबिलिटी रूल में क्या करते थे? यूनिट डिजिट को डबल करते थे, माइनस करते थे, डबल करते थे। क्यों डबल करते थे समझ में आ रहा है? क्योंकि सीड नंबर था। हाँ है ना। अच्छा 11 के केस में क्या होगा? 1 और प्लस है तो याद करो क्या करते थे? अल्टरनेट प्लेस का सम निकाल के माइनस कर देते थे। दूसरा क्या होगा? प्लस। दोनों ही सीड नंबर है, किसका? 11 का। तो बोले सर क्या इसको करने से भी आएगा क्या? +10 करेंगे? हाँ आएगा, लेकिन उसमें टेंशन रहेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्या सर 7 में हम लोग यदि इंटू +5 करके इंटू करके प्लस करेंगे तो हो जाएगा? यूनिट डिजिट को लेंगे इंटू 5 करेंगे ऐड करेंगे तो भी बनेगा? हाँ बनेगा। 8 9 1 7 देख लो, 8 9 1 8 चेक किए थे ना, पहला नंबर क्या चेक किए थे? 7 का डेलिटी रूल था ना। तो हम लोग क्या किए थे? यूनिट डिजिट को उठाते थे, डबल करते थे, माइनस करते थे, मतलब -2 सीड नंबर के साथ चल रहे थे। अब बोलेंगे नहीं सर हम +5 के साथ चलना चाहते, क्या होगा देखते हैं। यूनिट डिजिट को उठाओ, 5 टाइम्स करो, कितना होगा? 40 ऐड करो, 1 9 4 13 8 1 9 हो गया। फिर से यूनिट डिजिट को उठाओ,
फाइव टाइम्स करो, ऐड कर दो, 700 डिविजुअल है, पता नहीं आपको टेबल नहीं आता, मान लीजिए 14 का टेबल में से है, फिर भी यदि आपको नहीं आता फिर क्या करेंगे, यूनिट डिजिट उठाओ, पांच बार करो, डबल कर, पांच बार करके ऐड कर दो, और यदि ये भी नहीं आता पढ़ना छोड़ दो। समझ में आया बात, क्लियर? तो हम माइनस टू से भी बना लिए, प्लस फाइव से भी बना लिए, दोनों से बने क्वेश्चन, लेकिन ये लंबा बनेगा, इसीलिए छोटा वाला नंबर लेना। छोटा वाला नंबर वो नहीं कि साइन देख लिए प्लस या माइनस है, माइनस वाला ऑलवेज छोटा होगा, नहीं, जो छोटा दिखे, क्लियर? सिंबल को इग्नोर करके जो दिखे छोटा। समझ में आई बातें? तो 11 केस में क्या लेंगे, 7 के केस में क्या लेंगे, अच्छा 13 के केस में क्या लेंगे, एक बार माइनस 9 दूसरा आ रहा है, तो क्या लेंगे, किसको लेंगे, प्लस 4 को, क्लियर? 13 का डिजिट रूल कैसे चेक करेंगे, यूनिट डिजिट को उठाओ, 4 टाइम्स करो, ऐड कर दो, हाँ या ना, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां तक यदि आप लोग सीख लिए तो आपको एक चीज और सिखाते, एक चीज और सिखाते, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सीड नंबर किसका है, 7 का है, दोनों डिजिट का यदि हम साइन को इग्नोर कर दें तो सम कितना होगा, ये दोनों सीड नंबर किसका है, दोनों डिजिट का साइन को यदि इग्नोर कर दें सम कितना है, ये दोनों सीड नंबर किसका है, दोनों डिजिट का यदि साइन को इग्नोर कर दें सम कितना है, कुछ जादू दिख रहा है, यदि एक सीट नंबर पता चल गया दूसरा आसानी से पता चल जाए, यदि एक माइनस टू दूसरा प्लस फाइव होना ही होना है, इसको देखने की जरूरत भी नहीं, हाँ या ना, कोई दिक्कत? बोलो भाई बनो, तो यहां पर सीट नंबर बताओ क्या होगा, 17 का माइनस फाइव, यदि एक माइनस फाइव है मतलब 5 है, दूसरा क्या होगा, 17 माइनस 5 12 होगा, यहां माइनस साइन है यहां प्लस साइन, हाँ है ना, सीट नंबर निकालना सीख गए, नोट इट डाउन, नहीं ना सी, वो तो मैं पहले ही बता दिया, यहीं पर बता दिया था, इसे बता दिया था, हो गया, फोटो उठाने से फोन में ही रह जाएगा, रील्स नहीं बनाना है, हो गया खत्म, आगे बढ़े, बोलो, तो अब हम लोग पढ़ लिए जितना पढ़ना था, अब है बारी क्वेश्चन करने का, गाना सुने, अब आई आंटी की बारी है नहीं, तो अब क्वेश्चन करने की बारी है, आगे बढ़े, लिख लिए अम्बा जल्द, तो हम लोग जितना कॉन्सेप्ट सीखना था सीख लिए, अब करेंगे क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक क्या पढ़े हुए हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल, उससे पहला क्वेश्चन है, करंट ईयर का क्वेश्चन करें ज़्यादा मजा आएगा, अब इसे से बोला गया है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 6, क्वेश्चन को यहाँ साइलेंट थोड़ा रहेंगे, थोड़ा साइलेंट रहिए, यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखा, बोला कि कौन सा नंबर ऐसा है जो बताइए कि 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है दोस्त, दो और तीन दोनों से होना चाहिए, हाँ है ना, मतलब कि इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर चार ऑप्शन में, चेक करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स डिसाइड करेगा है या नहीं, तो 9-9 करके उड़ा दें तो हो जाएगा, 7-2-9 3-2-5 1-6 ये नंबर डिविजिबल है, 9 उड़ा दें 7-2-9 3-2-5 1-6 ये भी डिविजिबल है, 9-7-2-9 8-4-12 ये भी डिविजिबल है, अच्छा 5-5-10-2-12 8-20 ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ये नंबर डिविजिबल नहीं है, मतलब आंसर यही होगा, क्लियर? इतना सा क्वेश्चन था, चलो अगला क्वेश्चन, इफ दिस सिक्स डिजिट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, द स्मॉलेस्ट इंटीजर किसके लिए इन द प्लेस ऑफ स्टार, 7002*4, आपसे क्या पूछा जा रहा है,
बोलो तो स्टार का वैल्यू। अच्छा 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। हाँ है ना। अच्छा अब दोस्त देखो 2 स्टार 4 पे हमको ध्यान देना है। हाँ 2 स्टार 4 अब हमको इसको चेक करना है किससे, 8 से। अच्छा दोस्त देखो यहाँ पर बीच में दे दिया तो हम श्योर नहीं हो पा रहे डिविजिबल होगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा चीज़ है कि आप यहाँ पर डिजिट रखना शुरू करोगे 0 से, 8 × 9 = 16, 4 = 44 हो जाएगा, डिविजिबल नहीं है। उसके बाद अच्छा देखो ऑप्शन से ही तो रख देना है ना, 0 तो नहीं हुआ, 2 रखेंगे, 8 × 9 = 6 हो जा रहा है, हो रहा है नहीं, तो 2 0 तो नहीं हो रहा लेकिन 2 हो जा रहा है, हो रहा है क्या। यदि 2 रख रहे मतलब क्या 2 2 4, 8 × 9 = 6 बचेगा, 8 × 8 = 64 हो जा रहा है। हाँ है ना, क्या पूछा गया स्मॉलेस्ट, तो क्या होगा आंसर, क्लियर, समझ में आई बातें। अच्छा एक बात और यहां पे मैं सिखा देता हूं, सुन लो ध्यान से। तो पहला नंबर क्या मिला जिससे डिविजिबल हो रहा है, पहला नंबर क्या मिला जिससे डिविजिबल हो रहा है 2, तो अगला नंबर जानते क्या मिलेगा, +4 करेंगे तो ठीक है। 8 में यदि लास्ट 2 डिजिट नंबर आपको पता नहीं है, सेकंड लास्ट डिजिट आपको पता नहीं है क्या है, तो पहला नंबर खोज के निकाल लो हिट एंड ट्रायल मेथड से, दूसरा नंबर निकालना तो +4 कर दो। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे चल के आने वाले क्वेश्चन में काम आएगा ठीक है। पहला नंबर दूसरा नंबर से मिल जाए, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया तो क्या होगा 2 होगा, 2 और 6 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, हो गया आंसर डन। ये कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हाँ सेकेंड लास्ट नंबर निकालने के लिए पहला नंबर हिट एंड ट्रायल से निकाले, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 होगा, 2 हो गया तो अगला नंबर कौन सा होगा, डायरेक्टली +4 करने के मिल जाएगा। अब बोलता है स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या होता है 2, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 6, समझ में आई बात है। आगे बढ़े, लिख लेना इस बात को, लिख लियो ना, चल क्या बोला जा रहा है, 6 4 2 8 A 8 3 इज डिविजिबल बाय 9, 6 4 2 8 A 8 3 इज डिविजिबल बाय 9, द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू, चलो देखो पहले तो जो है 9 बना के उड़ा दो है ना, 6 3 9। अच्छा दोस्त देखो अब 9 तो कहीं नहीं बन रहा है, 8 2 10 4 14 का मतलब क्या हुआ, 8 2 10 4 14 5 14 8 22 22 22 का मतलब कितना है, ये 9 से हटाओ 18 हटा देंगे क्या बचेगा 4, तो बच्चा कितना है 4 + A, A का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, खत्म, देख के बनाने वाला क्वेश्चन है। हाँ है ना, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को, चलो आगे बढ़े, बोलो नेक्स्ट। अब बोला जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 Y इज डिविजिबल बाय 11, द वैल्यू ऑफ Y विल बी, क्या बोला जाता है, सम ऑफ द डिजिट एट अल्टरनेट प्लेस मस्ट बी इक्वल टू 11 और मल्टीपल ऑफ 11 और 0 है ना। चलो 3 × 4 5 9 7 16 ऊपर में कितना हो गया, 4 2 6 6 12 + Y 12 + Y हाँ है ना, डिफरेंस कितना होगा 4 - Y ये सर नो, डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो Y का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 4 होना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा। हाँ है ना, क्लियर, समझ में आई। मैं जान के हलवा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, और सब रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, देख सकते हो, समझ रहे हो। आज कितना तारीख है, 26, और एक तारीख को एग्जाम में क्वेश्चन आया, 25 दिन पहले क्वेश्चन, क्लियर। आगे बढ़े, एकदम नया नया ताजा ताजा क्वेश्चन बनाओ, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 22, 22 का मतलब क्या है 2 और 2 का मतलब क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, ये देखो यही सफर अवार्ड है
होगा, है ना, बाकी सब इवन है, इनमें से कोई भी हो सकता है, हाँ है ना। अब दोस्त देखो क्या बोलता है, 11 का डिजिटल रूल, सम ऑफ डिजिट एट अल्टरनेट प्लेस मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस उन दोनों का, जीरो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11, 8 तीन 11, तो 11 जीरो 11, 11 जीरो 11, 9 जीरो 2 11, यही होगा आंसर। कोई दिक्कत, देख के उड़ा दोगे, उड़ रहे नहीं, कोई दिक्कत, समझ रहे हो, आगे बढ़े। चलो आप बोला जा रहा है 3C2933K इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 11, 5 and 11 वेयर सी एंड के आर सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, तो सी प्लस के पूछा जा रहा है। अच्छा 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 5 और 11 दोनों चाहिए, 0 और 5, मतलब k का दो वैल्यू हो सकता है, k का एक वैल्यू 0 होगा और एक वैल्यू 5 होगा, दो वैल्यू संभव है, हाँ है ना। तब चेक किसका करना है, 11 का, 3 दो 5, 3 8 प्लस k, यहाँ पर कितना बना है, यहाँ पर c प्लस 9 प्लस 3 कितना होगा, 12 प्लस c, यस और नो, क्लियर। अच्छा यदि इसको जीरो ले लेंगे, के का वैल्यू जीरो लेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ नेचुरल नंबर दिया तो क्या बोलो, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर बोला गया, जीरो से स्टार्ट तो हो ही सकता ना, ठीक है क्लियर, बोलो दोस्त। अच्छा के का वैल्यू, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बोलो तो, अच्छा छोड़ो ना ऐसा भी तो कर, डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस के माइनस सी, हाँ है ना, बोलो। अच्छा तो के माइनस सी का वैल्यू कितना होना पड़ेगा बोलो, प्लस 4 होना पड़ेगा, इस हिसाब से होना पड़ेगा कि नहीं, प्लस 4 होने के लिए इसको लेंगे 0 या 5, 5 लेंगे, 5 लेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 1, यस और नो, तभी तो प्लस 4 बनेगा, इसका वैल्यू कितना होगा 4 के बराबर। अब इस k का वैल्यू 0 लेंगे या 5 लेंगे, 0 तो ले नहीं सकते, नहीं तो ये नेगेटिव नहीं आ जाएगा, क्या लेना पड़ेगा, k का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा और c का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, तभी तो होगा, और c का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 1, तो k प्लस c कितना हो गया, खत्म। समझ में आया, कोई दिक्कत, बोलो यार समझ में आया कि नहीं, अगले क्वेश्चन पे चले। आप बोला जा रहा है ये वो नंबर है, इसमें बोला जा रहा है कि भैया डिविजिबल किससे किससे है, चेक करके बताओ। चलो 6 और 11, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 2-3 से होना चाहिए, 2 से तो है नहीं, मतलब 6 से तो नहीं होगा, है ना, 6 से होगा क्या, मतलब ए नंबर ऑप्शन नहीं है, सी नंबर ऑप्शन नहीं है। अब 11 से है कि नहीं चेक कर लेते हैं, 11 से चेक करना है, चेक कर लो, एक गलती कर दी ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्लियर, बोलो कितना आया, फुल आया, बोलो यार इधर कितना आया, हाँ है ना। अच्छा कोई दिक्कत, मतलब 11 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला है, और डी कौन सा ऑप्शन में, ए नंबर में, तो आंसर क्या होगा, डी टिक करके मत आ जाना, ये आंसर को देख रहे हो कैसे बुड़वा बना रहा है, क्लियर। अच्छा अब एक बात और, हम इतना मेहनत करके क्यों बना रहे हैं, इसका और भी एक शॉर्टकट तरीका है, क्या बोला, इवेंट टाइम्स रिपीटेशन होना चाहिए, हाँ है ना, बोलो तो 611 611 611 611 इवेंट बार रिपीट कर रहे हैं, बोलो खत्म हो गया, हाँ तो 611 खुद को रिपीट कर रहा है आप सिर्फ 6 को कहे रिपीट करा रहे, 611 को रिपीट करा देंगे, हाँ है ना, समझ में आया बात, कोई दिक्कत, बोलो। छोटा बच्चा लोग ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं आपको पहले बताया, लेकिन आप तो थोड़ा बड़े बच्चे हैं, देखो खुद को रिपीट कर रहा 611, क्लियर हो गया, आगे बढ़े।
तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है, क्योंकि डी में बोल रहा है डिविजिबल बाय 11 और डी जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। डी टिक मार कर खुश होकर मत चलाना, गलत हो जाएगा वो, है ना। आगे बढ़े, अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स विच फॉर विच द नेचुरल नंबर इतना डिविजिबल बाय 12। 12 से डिविजिबल होने का मतलब 3 4, 4 का ड्यूलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट टू डिजिट जो कि है डिविजिबल, है ना। मतलब क्या होना चाहिए, 3 से 3 का ही चेक करना है ना खाली, बोलो बोलो यार, 4 का लास्ट टू डिजिट बोलता है ना, हाँ या ना। अच्छा तो आप मुझे चेक किसका करना, 3 का, 3 के लिए क्या करना, 9 बनाओ, बाकी जो बचेगा उसको देख लेंगे, 7 2 9 8 1 9 6 1 7 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2 हो गया, बोलो खत्म, देख रहे हो ना मजाक कर रहा है आपके साथ। आगे बढ़े, अम्बा समझ रही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24, 24 का मतलब क्या, 3 और 8, 8 का पहले चेक कर लो क्या बोलता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट में जो 8 से डिविजिबल हो एक ही नंबर है, और कोई है क्या, 8 8 64 8 6 48, एक और हो रहा है, 8 56 8 64 72 4, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब हो रहा है, आयरी से सुरक्षा सब हो रहा है। तो चेक किसे करना है, 3 से, 3 का तो बहुत आसान है, क्या बोलता है, 9 बनाओ 9 बनाओ, 3 बच रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं बना सकते आप, 5 2 7 6 13 7 13 6 19 8 27, ये भी हो रहा है ना, बोलो यार। अच्छा हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर 6 4 10 7 17 6 23, ये नहीं हो रहा, ये आंसर होगा ही नहीं, 9 बनाओ उड़ा दो, 2 6 6 12 2 14 8 22, ये भी नहीं होगा। अब ए और सी, बी में कुछ भी हो सकता है, देखते हैं ए सही है कि नहीं, 3 से 5 2 7 6 13 6 19 8 27 27 से 3 से हो रहा है, लेकिन ये 8 से नहीं हो रहा है पक्का, तो हम क्यों चेक कर रहे थे इसको, ये तो होगा, फालतू का मेरा दिमाग थोड़ा हैंग कर गया, हो गया, पेन उठाना नहीं है, वो आंसर निकलेगा खाली, है ना। आगे बढ़े, चलो 36 से डिविजिबल है ये नहीं, क्या करेंगे, 36 बोलो, 6 का स्क्वायर है याद करो, ऐसे 36 मतलब 49, खत्म कहानी, है ना, क्योंकि 6 का 2 3 होता है, उसका स्क्वायर वाला होगा, हाँ है ना, 49 मतलब लास्ट टू डिजिट, पहले लास्ट टू डिजिट चेक कर लो, उसके बाद 9 बना देना, है ना, लास्ट टू डिजिट, एगो ये वाला है, ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला भी है, क्लियर, 9 बनाना है, 9 जिसमें बनेगा वही होगा, 8 8 16 4 20, ये नहीं होगा, अच्छा ये वाला 9 बन गया, 7 2 9 बन गया, 6 2, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा, समझ में आएगी नहीं, खत्म। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल है 72, 72 का मतलब क्या, 8 9, मतलब क्या बोला, 4 6 4 8 5 2, 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, 8 से मतलब क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, कहाँ पर नहीं लिया, अच्छा 4 का 5 भी है, गलती हो गया अम्मा, क्या दिया हुआ, 6 5 और यहाँ पर, अबे मेरा दिमाग सही में हैंग कर गया, क्या करें, 4 6 4 5, खुश। अच्छा अच्छा दोस्त देखो, पहले 8 9 इतना सा बात है ना, 9 होना चाहिए, 9 का मतलब है 9 होना चाहिए, 5 4 9 उड़ा दो, उड़ा दिए, इसको कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, 5 4 9 5 4 9, 6 2 8 1 9, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, यस और नो, 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है कि, चेक करो 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, 152 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, बोलो तो हो रहा है, मतलब अपना आंसर सही, ए का वैल्यू हो गया।
सी एच एस एल है ना, इसलिए हलवा दिया है। आगे बढ़े, बोलो। कभी कभी ऐसा देता है, ये गलती से डेट गलत लिख दिया यहाँ पर, ये 2023 होगा, मजाक करता है। नहीं, सातवां महीना, इसी महीने का, तब तो सही है। आगे बढ़े, बोलो। ये तो और ताज़ा क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़े, चलो इसको बनाओ। 7 डिजिट नंबर डिविजिबल 72, विच ऑफ द ऑप्शन गिव्स द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड। वाह, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है। 72 मतलब 8, 9, 4, 8, 9 वाई, 5, जेड 6, ठीक है। बात नहीं करना ठीक है। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 9 बना के उड़ा दो, 5, 4, 9, 9 उड़ा दिए। बाकी क्या बचा? 8 + y + z, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 9 या 18, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, +6 भी है, तब तो 18 ही होगा। क्या है? अच्छा, +6 भी है ना, 14 + 6, पता नहीं, इतना ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, 8 का क्या बोलता है दोस्त? लास्ट 3 डिजिट, मतलब 5, z, 6। अब देखो, सेकंड लास्ट डिजिट पे गेम फंस गया कि नहीं? पहला नंबर कैसे निकालेंगे? हिट एंड ट्रायल से। 516 होता है, 8 × 48 बचेगा 3, 36 नहीं होता, 5 × 6 46 बचेगा, नहीं होगा, है ना, 56 हो जाएगा, है ना, मतलब 3 होगा कि नहीं? बोलो, ठीक है। पहला वैल्यू क्या लिया? जेड का वैल्यू 3, तो दूसरा वैल्यू क्या लेगा? है या नहीं? बोलो दोस्त, तो जेड का वैल्यू, दो वैल्यू मिला है, क्या क्या? 3 और 7, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 + y + z का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक बार होगा दोस्त 17 + y, और एक बार होगा 21 + y, होगा कि नहीं? जब z का वैल्यू 3 रखेंगे तो 17 + y, जब z का वैल्यू 7 रखेंगे तो 21 + y, हाँ है ना। अच्छा, अब ये जो होगा डिविजिबल होगा किससे? 9 से, होगा कि नहीं? 9 से डिविजिबल होने के लिए y का वैल्यू क्या ले गई? 1। इससे y का वैल्यू क्या मिला? y का वैल्यू 1। इससे y का वैल्यू क्या मिला? 6 मिलेगा या 7? 6 है ना। बोलो बोलो दोस्त, ये कब है? जब z इक्वल टू 7 है। ये z इक्वल टू कितना है? 3 है, है या नहीं? अच्छा, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 3। इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 42, हाँ है ना। बोलो दो, तो 42 आंसर होगा या 3? हाईएस्ट पूछा गया, हाँ है ना, क्लियर? कोई दिक्कत? देखे, थोड़ा ज्यादा घुमाया है ना। आगे बढ़े, समझे कि नहीं? आगे बढ़ जाए भाइयों बहनों, बोलो यार। चल अगले क्वेश्चन बनाइए। तो इसको 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल है 72। काले देख रहे, 72 कितना दे रहा है क्वेश्चन? आपको समझ में आ रहा है? 72 आपको स्पेशल स्ट्रेस क्यों दिए थे? मतलब 8, 9, हाँ है ना। 8, 9 मतलब देखो, यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें पता नहीं, सेकंड लास्ट डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट, उल्टा क्वेश्चन है। अच्छा, जब लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट, जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्या था? 5z6, तो इसमें हम लोग कितना ऐड कर रहे थे? सेकंड लास्ट डिजिट यदि पता नहीं हो तो कितना ऐड करेंगे? 8 के केस में 4, क्लियर। लेकिन यहाँ पर कितना है? 7, 8, y। इसमें जो हम लोग ऐड करेंगे, पहले हीट एंड ट्रायल से y का वैल्यू निकाले, फिर 8 ऐड करेंगे, क्लियर। चलो हीट एंड ट्रायल से वैल्यू निकालो, 8, 9, 72 बचेगा 6, y का वैल्यू होगा 4, हाँ है ना। y का वैल्यू कितना होगा? और कोई वैल्यू लेगा? और कोई वैल्यू नहीं लेगा, क्यों? यदि इसमें 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, यस और नो?
यूनिट डिजिट में जब भी निकालना हो तो कितना ऐड करते हैं? 8। सेकंड लास्ट डिजिट में 4। किसके केस में? डिविलिटी ऑफ 8 के केस में। तो वाई का वैल्यू मिल गया, बोलो 4 मिल गया या नहीं? चलो यहाँ 4 लिख देते हैं, वाई का वैल्यू 4 मिल चुका है। अब 9 का क्या बोला? 9 बना दो, 6 3 9 9। चलो और कहीं 9 बन रहा है क्या? और कहीं 9 9 9 नहीं बन रहा। 7 3 10 8 18 खत्म हो गया। 7 3 10 8 18 खत्म है ना। 8 4 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स इज डिविजिबल बाय 9, मतलब एक्स का वैल्यू 6 6 और वाई का वैल्यू 4। तो क्या पूछा गया? एक्स का वैल्यू 6 मिल गया और वाई का वैल्यू कितना मिला था? 4। 6 × 6 प्लस 7 × 4 तो 36 प्लस 28 कितना हो जाए? 44 20 64। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे बढ़े, बोलो भाइयों बहनों। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द नंबर इतना इफ द नंबर इज डिविजिबल ऑफ 6 बट नॉट डिविजिबल ऑफ 5। अच्छा 3 4 2 6 x डिविजिबल है व्हाट? 6 से है लेकिन 5 से नहीं, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 5 तो होगा ही नहीं, x का वैल्यू 0 भी संभव नहीं है। क्लियर है? बोलो यार। अच्छा अब 6 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब क्या 2 और 3 से होना चाहिए? 0 नहीं लेगा, मतलब क्या 2 4 6 8 लेगा। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या लेगा? 2 4 6 8 हाँ है ना। बोलो यार, x का वैल्यू कभी 3 लेगा क्या? अदरवाइज 2 से नहीं होगा, मतलब ये आंसर तो नहीं है। अब 4 6 8 में कुछ भी हो सकता है, हाँ है ना। तो 9 बना काट देते हैं, 6 3 9 6 प्लस x इज डिविजिबल है व्हाट? 3। x का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 6 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 लेंगे 14 हो जाएगा, 4 लेंगे 10 हो जाएगा। ना ये होगा ना ये होगा, क्या होगा? समझ में आया? बोलो। 8 लेते 14 हो जाता, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 लेते 10 हो जाता, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 लिया जाए, 3 से डिविजिबल हो। क्लियर? आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाइयों बहनों। चलो अगला क्वेश्चन, ए 6-digit नंबर इज डिविजिबल 33 इफ 54 इज एडेड टू द नंबर देन द न्यू नंबर फॉर्मड विल आल्सो बी डिविजिबल बाय व्हाट? चलो 6-digit नंबर है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ही नहीं दिया है। ए 6-digit नंबर इज डिविजिबल बाय 33, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट पता नहीं, क्वेश्चन देख लें। ऐसे क्वेश्चन कैसे दे दिया? कितना नंबर क्वेश्चन है? बोलो यार, 15। अच्छा नंबर इसमें दिया ही नहीं है। देखो कोई भी 6-digit का नंबर है, ठीक है ठीक है। चलो पी क्यू आर एस टी यू वी, 6 digit हो गया या 7 digit हो गया, ठीक है 6 digit का नंबर है। डिविजिबल किससे है? 33 से। 33 का मतलब 3 11 हाँ है ना, 3 11 से डिविजिबल। अच्छा अब दोस्त देखो, 3 11 से डिविजिबल मतलब क्या है? इनका सम और इनका सम का डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 होगा, हाँ है ना। उसके साथ साथ 3 से डिविजिबल है, मतलब सम डिजिटल सम जो होगा 9 से 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? बोलो। अच्छा अब कितना ऐड कर रहे हैं? 54 ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या है? 54 को यदि हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है,
तो एक हो जाएगा चार के साथ, एक हो जाएगा पाँच, ऊपर वाला जाएगा चार लेगा, नीचे वाला पाँच लेगा, 54 ऐड करें तो ये तो लेगा, हो भी सकता है नहीं भी ले। 54 यदि ऐड करेंगे, अब इसको देखो तीन से डिविजिबल होगा, दो से होगा या सात से होगा, सात का पता नहीं लेकिन तीन से पक्का होगा, तीन से इतना नंबर हो रहा है ये भी होगा, आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर? नोट इट डाउन, बोलो यार। 54 ही तो ऐड कर रहे हैं, ये पूरा नंबर तीन से डिविजिबल है, इसमें यदि 54 ऐड कर दें तीन से होगा कि नहीं? बात खत्म, आगे बढ़े। हाँ अच्छा, अब्बा दिया हुआ है, ए बी बी ए, ठीक है, अब्बा डब्बा डब्बा, ठीक है। चलो देखो कितना दिया, ए बी बी ए नंबर दे दिया, एज डिविजिबल है 4, 4 से डिविजिबल है, और क्या बोला गया, एज लेस देन बी, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई इट आउट, एक मिनट ट्राई तो कर लो, बनाओ। फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? बस वहीं से गेम शुरू होगा, स्टार्ट कीजिए, बनाइए, बनेगा दोस्त? देखो ध्यान से, एक बात बोला गया है, ये कंडीशन एज लेस देन बी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब ए हमेशा छोटा रहेगा बी बड़ा रहेगा। थोड़ा नंबर आप सोचो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 12 में यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, ए बड़ा हो जा रहा है बी छोटा हो जा रहा है, क्योंकि लास्ट टू डिजिट ही तो चेक करना है। इसमें देखो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये तो होगा ही नहीं, 4 4 16, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कंडीशन किसने सेटिस्फाई कर रहा है? 20 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ है ना, 24 सेटिस्फाई कर रहा है, 24 सेटिस्फाई करेगा, 28 करेगा, 32 करेगा, हाँ है ना, अच्छा 36 करेगा, 36 करेगा, पगला गए हो क्या, नहीं करेगा, क्लियर, 44 नहीं करेगा, हाँ है ना, 48 बोलो, 48 तो नहीं करेगा। चलो हम इसको लिख के हटा रहे हैं, चलो इसको फिर हम लिखे क्यों जब नहीं करेगा, तो चलो छोड़ो, 48 नहीं करेगा, अच्छा 52, ठीक है, फिर 56 नहीं करेगा, ठीक है, 60, 64 करेगा, 68 नहीं करेगा, है ना, 72 करेगा, 76 ठीक है, 76 का 80 करेगा, हाँ है ना, 84 हो गए नहीं, बोलो यार, फिर 92 96, इतना सारा नंबर हो सकता है, नहीं 12 नहीं होगा यार, अभी सुनो ध्यान से, अच्छा सुनो ध्यान से, बातें नहीं करो, यदि ये नंबर होता लास्ट टू डिजिट 20 होता, यदि लास्ट टू डिजिट 20 लिखे तो ये नंबर क्या होगा, 0 2 2 0, हाँ है ना, ये 4 डिजिट नंबर बना क्या, बना क्या, ये 3 डिजिट नंबर है ना कि 4 डिजिट, हाँ है ना, बोलो, मतलब ये नंबर नहीं होगा। 40 होगा क्या, 60 होगा क्या, 80 होगा क्या, कितना होगा, 8, ऑप्शन नंबर